नमस्कार जी, मैं मंजू। आज नवंबर की 15 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को बताऊंगी कि जो अपने गार्डन में चाहते हैं कि विंटर गार्डन में उनका गार्डन पूरा फूलों से भरा रहे, तो एनुअल क्रिसेंथिमम के जो पौध होगी आपके, खूब सारे आपने तैयार कर रखी होगी, तो वो किस किस पॉट में आप कितने कितने पौधे लगा सकते हैं। तो ट्रांसप्लांट करने का वीडियो मैंने अभी 1-2 दिन पहले डाला है, सेम तरीका मैंने बताया है कि उसी तरीके से करने हैं और किस तरह के, जैसे राइस वाला बैग होता है, तो कल मैंने उसमें मेरे ख्याल से पाँच छः पौधे आप उसमें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो भर के उसमें जो है बुके की तरह फ्लावर्स आएंगे, क्योंकि ढेर सारी पौध तैयार होती है तो हमें खूब सारे प्लांटर की जो है ज़रूरत होती है। तो एक अगर छोटी बोतल में ग्रो करना चाहते हैं तो ये देखिए, जैसे मैंने पिटूनिया के ये अभी किए हैं, इसमें तो एक पौधा लगा सकते हैं, तो ये छोटी सी बोतल और इतनी सी मिट्टी है, ये मेरा हाथ देखिए, इतनी सी मिट्टी है, और इस पोर्टल में मैंने जैसे पिटूनिया लगाया वैसे ही इसका एक पौधा लगाएं। तो ये 11-12 इंची के पोर्ट में आपके सामने ही मैंने जो सीड डाले थे, और दूसरे पोर्ट की जो मैंने 2 पोर्ट बनाए हैं तो उसमें ट्रांसप्लांट कर दी हैं। तो ट्रांसप्लांट करने से पहले मिट्टी को अच्छे से गीला कर लेना है, और ताकि ये पौधों का जाल बन जाए नीचे, तो हमें निकालना मुश्किल हो, उससे पहले ही हमें ट्रांसप्लांट कर लेना है। वैसे तो इसकी खासियत ये है कि बड़े बड़े पौधे भी इनके ट्रांसप्लांट हो जाते हैं और ईजिली चल पड़ते हैं ट्रांसप्लांट करके, बट अगर हम पहले कर देंगे और तो फिर हमारे जो है पौधे जल्दी फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी खासियत ये है कि जो बाद में हम ट्रांसप्लांट करते हैं उनमें बाद में फूल आना स्टार्ट होते हैं, और जैसे घने प्लांट्स हैं कंपटीशन रहता है खुराक के लिए, और कुछ एक तो खूब बढ़ जाते हैं खुराक ले लेते हैं और कुछ एक जो है कमज़ोर रह जाते हैं। तो आप जब ट्रांसप्लांट करोगे तो हेल्दी पौध निकालिए, ताकि मिट्टी में जो पहले से कमज़ोर पौधे हैं उन्हें फिर अच्छी खुराक मिले, वो भी अच्छे से हुएं। तो इस वाले 11-12 इंची पोट में आप भी 8-10 पौधे रख सकते हैं, वो भी बुके की तरह दिखेंगे फूल उनके। और ये वेस्ट मटेरियल जो पैकेट है एक मेरे पास, तो इतनी सी मिट्टी डाल के ये मैंने जो 3-4 दिन पहले एक पौधा इसमें ट्रांसप्लांट किया है, तो अब पहले तो बड़ा मुरझाया था, अब चलना शुरू हो गया है, तो अभी मैंने इसे छाया वाली जगह में ही रखा है तो दिखाने के लिए। तो ये फिर खूब हेल्दी पौधा हो जाता है, और इसकी स्टेम उठा के कहीं भी जहां आपको नजर आए कि आपके फूलों की कमी है तो वहां इस बैग को ईजिली रख सकते हैं। जरा सा तो बैग है, कहीं भी आप इसे एडजस्ट कर दीजिए, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, कुछ नहीं है। और एक जैसे ये छोटी सी बोतल में ये कोक्सकोम का जैसे मैंने एक पौधा लगाया है, तो उस जितनी खुराक मिल रही है उसी के हिसाब से इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, तो अभी तो बढ़ ही रहे हैं, तो बड़े उसमें लगाएंगे तो ज़्यादा बड़े आएंगे, और वैसे ही जैसे बड़े पॉट में लगाएंगे ज़्यादा सारे पौधे लगाएंगे बुके की तरह नज़र आएंगे, ज़्यादा खुराक मिलेगी। और अगर बड़े पॉट में एक पौधा लगाएंगे तो वो भी काफ़ी घना होगा, उसमें भी काफ़ी अच्छे और बड़े फूल आएंगे। तो 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था ज़ेवरिना होलीहॉक को कैसे ट्रांसप्लांट करना है, और उसी तरीके से सब प्लांट्स जो वो ट्रांसप्लांट करने हैं, तो इनको भी इसी तरह से ट्रांसप्लांट करना है, चाहे छोटी बोतल में करो चाहे बड़े पॉट में करो। तो इसको जो है छोटी से छोटे चीज़ में अगर लगाना है तो एक ही पौधा लगाना, और बड़े कोई पॉट में लगाएंगे तो फिर थोड़े घने लगा सकते हैं और वो बहुत ही खूबसूरती से चलते हैं। तो जो मैंने ज़ेवरिना होलीहॉक लगाया था आपके सामने, तो वो मेरे अब चलना स्टार्ट हो गया, बट मैंने अभी उन्हें छाया में ही रखा है। तो ये जो आपके सामने ज़ेवरिना होलीहॉक मैंने ग्रो किए थे, तो बड़े पौधों के नीचे इन्हें मैंने रखा है, तो इसमें छोटा सा नेट का टुकड़ा डाल के बड़े पौधे हैं ऊपर डाला है, तो इसमें सारे पौधे मेरे जो पीछे भी दिख रहे हैं वो सब ट्रांसप्लांट किए हुए हैं ताकि इन्हें छाया मिल सके। बाकी 8 इंची पोट में आप 3 प्लांट इसके लगा सकते हैं, और अगर आपके पास जो पोट्स की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे हैं कम पौध है, तो फिर एक पौधा भी लगा सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से नेचुरली जब बहुत सारी ढेर सारी खुराक मिलेगी एक प्लांट को तो वो खूब अच्छे से फिर चलेगा ही। तो मैं तो इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे साथ मैं घर पे ही सारी जो पौध अपने आप ही हाथों से तैयार करती हूँ और मुझे सब ट्रांसप्लांट करनी होती है। इस बार भी 8-10 गमले करते करते मैं जो गिनती कर रही थी तो 51 गमले तो मैंने खरीद लिए हैं, और हो सकता उससे ज़्यादा भी हों नीचे जो पड़े, तो वहाँ जाके मैंने गिने नहीं, छत वाले सिर्फ मैंने वो गिने। और जो मैंने शैलो ट्रे में आपके सामने स्वीट एलिसम ग्रो किए थे, तो ये उसका अपडेट ये देख लीजिए। और इस ट्रे में जो मैंने अभी सरसों ग्रो करने वाला वीडियो बनाया है, तो जो मैंने पिक्चर लगाई हुई है, तो इसी ट्रे में मैंने माइक्रो ग्रीन्स जो
सरसों के ही वो तैयार किए थे, तो वो एक वीडियो डाला था, तो उसी में से मैंने वो पिक्चर अपने ही वीडियो की वो ली हुई है, डाले हुए हैं। तो वो सब माइक्रोग्रीन्स भी इन जो शैलो ट्रे में आप लगा सकते हैं। तो ये आप पिटूनिया देख रहे हैं किस में खिल रहे हैं, ये जरा सी बोतल के हिस्से में। तो इस तरह से ये इनके जो तैयार पौधे हैं, बोटल्स तो सबके घरों में छोटे छोटे मिल ही जाती हैं। तो जब छोटे छोटे बोटल्स में आप कोई भी प्लांट्स लगाते हैं, ये लगाएं या और भी लगाएं, तो मिट्टी को हल्का मॉइस्ट ही रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें, और बहुत तेज़ धूप में, पूरा दिन की धूप में ना रखें। मतलब ज़रूरत भर की धूप इन्हें ज़रूर चाहिए। जहाँ खूब सारे प्लांट्स जैसे मैंने ये रखे हैं, इनके बीच में रख सकते हैं बोटल, जहाँ कोई छोटा पैकेट वगैरह, जैसे मैंने दिखाया कि मैंने एक पौधा ट्रांसप्लांट किया है, तो वो जब पूरी तरह से पौधा मैच्योर हो जाता है, फूल देने स्टार्ट कर देता है, तो फिर उससे तेज़ धूप से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो नवंबर की 15 तारीख को भी मेरे ये देखिए खूब सारे अच्छे से ये वाटर लिली खिल रहे हैं। और ये देखिए धूल मिट्टी मालवार स्पिनेच पे कितनी सारी है, ये पटाखे वगैरह चले हैं दिवाली के सब, तो इस पे फूल आना भी स्टार्ट हो गया और सीड बनना भी इस पे स्टार्ट हो चुका है। इस तरह से खूब सारे फ्लावर्स और सीड्स भी बन रहे हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।